हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और ये भी यहाँ दोपहर का टाइम हो रहा है तो मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ राजमा की दाल, और इस राजमा को मैंने रात को भिगो के रख दिया था और अभी अच्छे से 2-3 बार गर्म पानी से धो लिया है। और इसमें थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाला जिससे इसमें सीटी जल्दी आ जाएगी। 2-2.5 गिलास किलो का मैंने पानी इसमें डाल दिया है, और नमक और हल्दी डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी जिससे कि फिर जी सीटी से पानी इसका बाहर नहीं निकलता है। और इसको उबलने के लिए रख दूंगी, 5-6 सीटी लगा लूंगी इसमें, तो ये उबल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े भी अभी बस जस्ट धो के डाले हैं, कुछ कुछ जैसे गर्म कपड़े मैं ओढ़ने बिछाने वाले धो दे रही हूँ थोड़े थोड़े करके। एक दिन में तो इतना आसान नहीं है धोना, इस वजह से तो कुछ मैंने आज भी धो दिए हैं। और यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई रख दी है उसको तड़का लगाने के लिए, और राजमा मेरे भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो बस कढ़ाई में मैं यहाँ पे ऑयल डाल दूंगी, और इसके बाद फिर वो थोड़े से चावल तो मैंने पहले ही बना के रख दिए थे, 2-3 रोटी बनाऊंगी तो दोपहर का जैसे खाना हो जाएगा चावल रोटी और राजमा। और चावल इसलिए बनाए क्योंकि राजमा के साथ चावल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से। तो फिर मैंने यहाँ पर देखिए राजमा अच्छे से बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, तो बस मैं अभी इसको तड़का लगा लूँगी। ये देखिए, ये मैंने प्याज काटा हुआ है, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, और मैंने काट के लिया है। आप लोग पीसना चाहते हैं तो पीस भी सकते हैं, लेकिन मैं डेली यूज की सब्जी बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ तो मैं इनको इसीलिए पीसा नहीं है। और बस जब अच्छे से ऑयल गर्म हो गया, थोड़ा सा जीरा डाल के और इसमें प्याज और ये सब मिला दिया है, लहसुन वगैरह अदरक ये सब डाल दिया है। और इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर डालने के बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो टमाटर डाल के फिर इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। और मसाले डालकर भी इसको मुझे फिर कुछ जैसे हल्दी नमक थोड़े थोड़े तो मैंने पहले भी इसमें डाल दिए थे, तो अभी थोड़ा थोड़ा और डाल के धनिया पाउडर, मिर्ची और थोड़े थोड़े से नमक, हल्दी भी दोबारा डाल दूंगी और इसको थोड़ी सी देर पकने के लिए दूंगी। और ये टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, अच्छे से मैश हो जाएंगे, उसके बाद फिर हमने जो राजमा बॉयल करके रखे हैं हम उनको डाल देंगे। और देखिए यहाँ पर ये अच्छे से गल चुके हैं, और बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद इनको उबलने के लिए छोड़ देंगे। और अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा 10 से 15 मिनट इसको उबलते हुए हो गया है। तो देखिए ये राजमा यहाँ पे कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हैं। एक बार आप भी इसी तरीके से ट्राई करके देखें, बहुत स्वादिष्ट बने थे। और यहाँ बस मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दूंगी, और धनिया पत्ती होती तो और भी अच्छा लगता, लेकिन धनिया पत्ती मेरे पास नहीं है। और ये हो गई है दूसरे दिन की मॉर्निंग, तो मैं जा रही हूँ यहाँ रूम की डीप क्लीनिंग करने के लिए। वैसे तो मैं इसी दिन करने वाली थी, लेकिन जब जैसे दोपहर को खाना पीना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट गए, तो फिर उसके बाद लाइट ही कल हमारे यहाँ चली गई, और वो फिर शाम को 6-6:30 बजे लाइट आई, तो इस वजह से मैं उस दिन नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा कि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो आज मैं सुबह सुबह से ही कर लेती हूँ, क्योंकि आज संडे है तो इनको लेट से जाना है, 9 बजे के बाद ये जाएंगे, तो तब तक मेरा ये क्लीनिंग का काम हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इनको, मुझे ये धो के रखने हैं, तो इसमें मैं धोने के लिए इनको भिगो के रख देती हूँ। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी लिया था, और इनको धोना सोचिएगा तो एक जंग जीतने के बराबर जैसा है, क्योंकि लाइट वेट कंबल नहीं है, बहुत हैवी वाले हैं जो इश्यू होते हैं इनको मिलते हैं, वो वाले कंबल हैं, तो हाथ से धोना थोड़ा सा तो टफ काम है। और यहाँ पर जो भी बाकी के कपड़े हैं, क्योंकि इनके कुछ कपड़े मैंने कल धो दिए थे, कोट वगैरह, सर्दी का कोट ये अभी नहीं पहनती, तो फिर मैं धो के रख देती हूँ, तो उनको सबको बाहर निकाल देती हूँ, नहीं तो झाड़ू लगाने में यहाँ सब गंदा हो जाएगा। और आपने देखा भी फैन काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने एक बार इसको झाड़ू से पोंछ लिया। थोड़ा सा तो मैं इसको मुश्किल होता है फैन को ऊपर देख के पोंछना, और फिर एक बार मैं सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, और उसके बाद इसको गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। तो
ये अच्छे से साफ हो जाएगा, बिल्कुल एकदम से चमक जाएगा। और वैसे चारपाई से हाथ आ जा रहा है, यहाँ की छत ज़्यादा ऊंची नहीं है तो चारपाई से मैं अच्छे से इसको ऊपर पहुँच ले रही हूँ, नहीं तो फिर और मुश्किल होती, जब ज़्यादा ऊंचा होता तो फिर मेरे से पहुँचना नहीं बनता। तो बस यहाँ पे देखिए फैन कितना अच्छे से एकदम चमक गया है। और फिर मैं इधर उधर की ऊपर की झाड़ू लगा लूँगी और पर्दे फिर मैंने धो दिए, शाम तक सूख जाएंगे तो फिर मैं दोबारा इस पर लगा दूँगी। और वैसे भी देखिए आपको यहाँ से बाहर का साफ नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं नहीं जानती इनके खून से वाले गिलासेज हैं कांच हैं, लेकिन बाहर से इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, दिन के टाइम कुछ नहीं दिखता है बाहर से अंदर की तरफ। और यहाँ पर पूरा झाड़ू लगाने के बाद ऊपर की मेरी झाड़ू हो गई, नीचे की बची है, तो मैं इस अलमीरा को भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। वैसे मुझे इसमें कुछ चेंज वेंज ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसके पेपर वगैरह बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल साफ़ हैं, जो अलमीरा में बिछा के रखी हूँ। जो भी सामान है थोड़ा थोड़ा उसको मैं सही से सेट कर दूँगी। इसमें कैंटीन वगैरह का सामान है और थोड़ा बहुत जो डेली यूज़ में नहीं आता वो सब सामान है, तो इसीलिए ये अलमीरा भी उतनी ज़्यादा गंदी नहीं है। और नीचे में जितने भी सारे बैग हैं इनको निकाल के नीचे वाली अलमीरा के अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि नीचे वाली अलमीरा में ये खाली करके जितने भी हमारे बैग हैं वो डाल के रखे हुए हैं, और ये सब खाली है। बस बड़े वाले वीआईपी में मैंने ये डबल बेड वाला कंबल डाल दिया है, क्योंकि मैंने फिर बाहर डाल के रखती ऐसे ही ख़राब होता, अभी ओढ़ना तो हो नहीं रहा है, अभी तो गर्मी आ गई इस वजह से। और यहाँ पे इसको झाड़ू से मैंने अच्छे से साफ कर लिया है नीचे वाली अलमीरा को, दोबारा से इसी में इसी तरीके से मैं पूरा सेट कर दूँगी। बैग वगैरह जितने भी हैं इनको मैं धोने की सोच रही थी, लेकिन अभी तो फिर नहीं धो पाऊँगी, देखती हूँ बाद में एक एक करके। अभी गर्मी भी हो रही है तो कभी भी धो देंगे तो सूख जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सूखने में, क्योंकि आने जाने में काफ़ी गंदे हो जाते हैं बैग, तो थोड़े ऐसे ही हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि इनको भी धो देती हूँ। अभी तो मुझे टाइम नहीं लग पाएगा, बाद में देखूँगी, बाद में इनको भी धोना है बैग भी सारे। और यहाँ पे ऊपर की और साइड की सब पूरी जितनी भी क्लीनिंग थी वो सब हो चुकी है, तो मैं साइड जितना भी चारपाई वगैरह इनको हटा के अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी साइड साइड, क्योंकि डेली तो ऐसे चारपाई के नीचे से तो झाड़ू लगाती हूँ, पर ऐसे हटा के तो नहीं लगाती हूँ डेली, चारपाई के नीचे से मैं निकाल लेती हूँ वैसे तो, क्योंकि इसीलिए मैंने इनको सिंगल सिंगल रखा है, क्योंकि साथ में फिर जॉइंट कर दीजिए तो फिर झाड़ू वाड़ू झाड़ू पोछा अच्छे से लगाना नहीं बनता है, तो इस वजह से फिर एक साइड साइड दोनों रखती हूँ। फिर ये साइड में लगा दीजिए तो ये पीछे वाली अलमीरा भी नहीं खुलेगी, ये भी इसी में दब जाएगी, तो यहाँ पे पूरा जितने भी बॉक्सेज हैं और ये नीचे में ख़राब टीवी रखा हुआ है, तो ये सब यहाँ से हटा के मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। दीवालों को तो थोड़ा इग्नोर कीजिए, जिनके छोटे बच्चे होते होंगे शायद मुझे लग रहा है उनके घर की दीवालों का यही हाल होता होगा, पूरा कलर वलर चढ़ा के बेकार कर चुकी हैं। अब ऐसे भी लाइट कलर है तो हाथ पैर कुछ भी लगाने से काफ़ी, दीवालें तो साइड से गंदी हो ही चुकी हैं, काफ़ी गंदी हो गई हैं। और यहाँ पर देखिए झाड़ू लगाने के बाद कितना कचरा निकल गया है, और यहाँ पे बॉक्सेज हैं इनको भी हटा लूँ, थोड़ा सा हैवी हैं तो डेली वेली तो मैं नहीं हटा पाती हूँ, क्योंकि दोनों में कपड़े लगते काफ़ी रखे हुए हैं, सामान भरा हुआ है, तो इनके पीछे भी कचड़ा हो गया है, तो इसको अच्छे से सबको झाड़ू लगा लेती हूँ साफ करके, और फिर यहाँ पोछा लगा दूँगी पहले, उसी के बाद बॉक्स को फिर दोबारा रखूँगी इधर। और यहाँ पर चारपाई को कर देती हूँ मैं खड़ी, क्योंकि पोछा थोड़ा अच्छे से लगाना बन जाएगा यहाँ पे चारपाई खड़ी करके, तो छोटे बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं तो नीचे चिपक भी जाता है, तो इस वजह से इसको मैं पूरा पहले क्लीन कर लेती हूँ। इसमें मैंने लाइट जोड़ डाल लिया है तो उसे थोड़ा सा अच्छे से लगाऊंगी तो थोड़ा सा क्लीन क्लीन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में जब ये सूख जाएगा तो अभी जो मैंने भिगो के रखे हूँ वो सारे कपड़े भिगा के धो दूँगी तो वो शाम तक सूख जाएंगे, फिर मैं बाद में शाम को बिस्तर सेट कर दूँगी, तो फिर रूम का काम, इस रूम का क्लीन हो जाएगा पूरा। और दो रूम है बस,
किचन का मैं एक दिन कर चुकी हूँ, तो बस एक ही रूम बचा है, उसको भी मैं अब फिर साफ कर ही दूँगी आजकल में, जब मुझे टाइम लगेगा तभी। और यहाँ पे मेरा ये टीवी वगैरह को भी पोंछ पाँछ के पूरा मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है, पूरा पोछा मैं यहाँ पे लगा चुकी हूँ। और इसके बाद अभी तो देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन क्लीन दिख रहा है पूरा रूम, थोड़ा खाली दिख रहा है अभी, जब कपड़े सूख जाएंगे तो उसके बाद मैं पर्दे वगैरह लगा दूँगी। और इधर का जो सामान था वो तो मैंने अच्छे से ऐसे ही सेट कर दिया दोबारा। और बस अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं तैयार हो गई हूँ, और मैं कहाँ जाने के लिए तैयार हुई हूँ वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कपड़े में पूरे धो के सुखा चुकी हूँ, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन हो गया। और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।